तो भगवान क्या बोलते हैं? हाँ हरे बोल, ठीक है। तो मैं पढ़ रहा था बस। ओके हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो भी तत्व से जानता है, किसके बारे में? मेरे जन्म के बारे में, जैसे मैंने अभी तक बताया है, और मेरे कर्मों के बारे में। तो जो उसको तत्व से जान जाता है, उसको क्या होता है? त्यक्ता देहम पुनः जन्म नैति, उसका पुनः जन्म नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? माम इति सु अर्जुना, वो मेरे पास वापस आ जाता है। और रामानुजाचार्य इसमें समझाते हैं कि जैसे ही व्यक्ति भगवान की शरण में आता है, तो क्या होता है? उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो उस तरह से क्या होता है, भगवान के शरण में आने का एक मतलब और ये भी है कि व्यक्ति भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करता है, और जब वो श्रवण कीर्तन करता है तो भगवान के दिव्य जन्म और कर्म के बारे में उसको ज्ञान हो जाता है। और इस तरह से जब उसको भगवान के दिव्य जन्म और कर्मों के बारे में ज्ञान होता है, तो पाप नष्ट हो जाते हैं, और पाप नष्ट होने से वो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, और क्योंकि वो कृष्ण से आसक्त हो जाता है, इसलिए वो बाद में कृष्ण को ही प्राप्त करता है। तो ये तरीका है कृष्ण को प्राप्त करने का। अच्छा, अभी क्या कर सकते हैं? ये जो श्लोक लिखा है ना, तम एव विदित्वाति मृत्युमेति नानद पंथा विद्यते, यहां से पढ़िए। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस स्थिति को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। इसका कोई नहीं विकल्प नहीं है का अर्थ यह है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता, वह अवश्य ही तमोगुणी है, और मधु पात्र को केवल बाहर से चाटकर या भगवत गीता की विद्वत्ता पूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतुक कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे, और स्थिति प्राप्त करने का यही उपाय है। तो प्रभुपाद जी इसमें किसका उदाहरण दे रहे हैं? उन लोगों का उदाहरण दे रहे हैं जो लोग भगवान के जन्म और कर्म को जानते तो हैं, लेकिन तत्व से नहीं जानते हैं। तो वो लोग क्या है? वो लोग स्कॉलरली जानते हैं, स्कॉलरशिप के हिसाब से। तो ऐसे आप देखेंगे तो पहले तो हमने एक बार बात की थी सेंटिमेंटलिस्ट के बारे में, जो लोग सेंटिमेंटली भगवान की पूजा करते हैं, कुछ समझने का प्रयास नहीं करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो भगवत गीता को सिर्फ एक एकेडमिक वे में देखना चाहते हैं, या एकेडमिक वे में देखते हैं। तो ऐसे लोगों को आप बोलिए तो संस्कृत के सारे श्लोक भी बोलना चालू कर देंगे, आपको एक एक संस्कृत शब्द का प्रयोग करके उसका अर्थ बताने लगेंगे। वो आपको बता देंगे एक एक भगवदगीता के श्लोक के कितने कितने अर्थ हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो कुछ प्रैक्टिस नहीं करते हैं और उन्होंने शुद्ध भक्त का शरण लिया नहीं है, तो उसकी वजह से उनका इस ज्ञान पर विश्वास नहीं होता है। तो लोग ज्ञान तो प्राप्त करते हैं, पर उसको उनका ज्ञान पर विश्वास नहीं होता है। वो कहे ठीक है, जैसे सब कुछ पढ़ना चाहिए, जैसे हम साइंस पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तो ये भी पढ़ने वाली चीज है, पढ़ लीजिए। तो उनको प्रभुपाद जी बोलते हैं आर्म चेयर स्पेकुलेटर्स। तो एक बार की बात है कि प्रभुपाद जी के पास में एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे, तो उन्होंने एक आदमी को देखा, उसने जीव गोस्वामी के लिटरेचर पे पीएचडी की हुई थी। तो उनको लगा, रहे भाई ये तो व्यक्ति शुद्ध भक्त है, और नहीं है तो शुद्ध भक्त बन जाएगा। और जब वो उस आदमी से मिले तो वो आदमी बहुत खुश हुआ कि भाई आप गौड़िया वैष्णव हैं,
आपके साथ कुछ चर्चा कर सकते हैं, ये फॉरेन कंट्री की बात है। तो उन्होंने उसको बुलाया कि आप अपने हमारे घर में आइए। तो जो भक्त उसके घर में गए तो आराम से कुर्सी पे बैठ के झूलते झूलते वो सिगार पी रहा था, और सामने उसकी बुक्स वुक्स रखी हुई थी कि आइए बैठिए थोड़ा सामने बात करते हैं। तो भक्त थोड़ा सा चर्चा करने लगे, फिर देखा कि दारू की बोतल भी पड़ी हुई थी, बोला आप ही पीजिए, हम ही पीजिए, हम ही पीते हैं। तो बोला अरे ये हम पियेंगे तो हमको तो होश ही नहीं रहेगा, क्या डिस्कस करना है। थोड़ी देर में सामने पत्नी को बुलाया तो वो कुछ मांस मच्छी भी लेके आ गई। तो भक्त ने थोड़ी उसे बात की, एक डेढ़ घंटा वो फिर वहां से भाग गया, वापस नहीं आया। तो ऐसे लोग कई बार क्या है, वो लोग ग्रंथों को पढ़ते हैं पर उनको ग्रंथों पर विश्वास नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं एकेडमिक स्टडी। तो वो लोग जब पढ़ते हैं भगवान के बारे में, जनरल कर्म के बारे में जानते हैं, वो कैसा है, वो वैसा है जैसे कोई शहद की बोतल को बाहर से चाट रहा है, लेकिन उसको खोल के पीना पड़ेगा। तो जब तक तो ज्ञान प्राप्त होना एक बात है, ज्ञान पर श्रद्धा प्राप्त होना दूसरी बात है। इसलिए इसको जब श्रद्धा होगी तब व्यक्ति क्या करेगा, उस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएगा, और तब वो ज्ञान किसे बदलता है, फिर विज्ञान बदलता है, मतलब साक्षात्कार। तो जब तक हम उस ज्ञान को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक साक्षात्कार प्राप्त नहीं होगा। तो ये हम इसे सीख सकते हैं। और भक्तों के लिए भी एक चीज है समझने वाली, इसमें सीखने वाली ये है कि कई बार हम लोग क्लास अटेंड करते हैं क्लास देने के लिए, तो क्लास देने के लिए अटेंड मत करिए, उस ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए हमको सुनना चाहिए, तो मात्र दूसरे को प्रवचन देने के लिए नहीं। और ये मेरा खुद का अनुभव है कि जब भी मैं बिना प्रिपेयर हुए क्लास देता हूँ क्लास बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि उस ज्ञान को अंदर डाइजेस्ट किया हुआ है, उसको पचाया हुआ है। तो जिस ज्ञान को हम पचा पाते हैं उसको हम अच्छे से बोल सकते हैं। इसलिए ज्ञान प्राप्त किस लिए करना, अपने बदलाव के लिए। तो वो तब होगा जब हमारी उस पर श्रद्धा होगी। तो इस तरह से जो व्यक्ति जन्म कर्म को भगवान को जन्म कर्म को जान जाता है तत्व से, तो भगवान बोलते हैं उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। और अगला श्लोक 10 नंबर। हरे कृष्णा प्रभु, एक प्रश्न है प्रभु, तत्व से जानने का अर्थ क्या होगा? तत्व से जानने का अर्थ जो भी हम सब सुनते हैं वो तत्व है। अभी तक जो भी हमने पढ़ा और जो हम पढ़ने वाले हैं वो सब तत्व है। तत्व का मतलब क्या, जैसे हमने पहले भी बताया था, ऐसा नहीं है कि भगवान हमारे छोटे से बच्चे हैं, हम उनके साथ खेल रहे हैं कूद रहे हैं। आप आस पड़ोस में देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसा हमने लास्ट में भी बताया था, कई लोग बोलते हैं ना, कहते हैं ना कि हमारी बेटी है वो राधा है, हमारा बेटा है वो कन्हैया जैसा है। तो ऐसे बोलने वाले बहुत लोग हैं। तो तत्व का मतलब क्या समझना है, अरे भाई ये साधारण लोग नहीं, ये भगवान है। और भगवान समझना एक बात है, भगवान होने का मतलब क्या होता है वो समझना दूसरी बात है। तो पूरी गीता भागवत जब व्यक्ति ध्यान से पढ़ता है तब उसको समझ में आता है कि भगवान होने का मतलब क्या होता है, तो उसको तत्व कहते हैं। ठीक है ना? एक तरह से प्रभु तत्व मतलब श्रद्धा ही हो गया भगवान के प्रति, श्रद्धा मतलब अटूट श्रद्धा। हाँ, अटूट श्रद्धा कि भगवान बहुत मतलब आदि पुरुष है, इस तरह से यही सब जानना। हाँ, तो अटूट श्रद्धा, देखिए श्रद्धा दो तरह की होती है, एक होती है आपने सिर्फ विश्वास करने के लिए विश्वास कर लिया तो उसको बोलते हैं अंधविश्वास, और एक होता है साक्षात्कार, मतलब समझ में आ रहा है। तो भक्त लोग अपने जीवन में देखते हैं कैसे भगवान कार्य कर रहे हैं, तो वो श्रद्धा श्रद्धा कहलाती है। जैसे हो सकता है हमको भगवान के दर्शन नहीं हुए हों, तो उदाहरण कैसा होता है, उदाहरण होता है कि मान लीजिए आप हावड़ा में आते हैं और आपको कोई आप अपने घर का पता देता है कि आपको हमारे घर में ऐसे आना है, तो व्यक्ति जैसे टैक्सी में बैठता है तो जब अगर उसको आप मैप देते हैं तो मैप से उसको लैंडमार्क दिखाई पड़ते हैं, हावड़ा स्टेशन से उतरते ही आपको बाएं तरफ जाना है, बाएं तरफ जाने उसके बाद आप हावड़ा ब्रिज मिलेगा, हावड़ा ब्रिज मिल गया मतलब पहला कन्फर्मेशन हो गया, आगे चला अभी दो रास्ते आ रहे हैं, सीधा जा रहा है एक दाएं तरफ जा रहा है, तो दाएं तरफ वाले में जाना है, वहां जाएंगे तो आपको दूसरा लैंडमार्क मिलेगा।
इस तरह से जब तीन चार लैंडमार्क मिल जाते हैं तो व्यक्ति को विश्वास होता जाता है कि जो बचा हुआ मैप है वो कैसा होगा, ठीक होगा। तो उसका विश्वास कैसा हो जाता है और सुदृढ़ हो जाता है। तो विश्वास सुदृढ़ कैसे होता है, वो होता है साक्षात्कार के साथ। तो ये अंधविश्वास नहीं है कि मानने के लिए मान रहे हैं, भक्तों का साक्षात्कार भी होता है, इसीलिए धीरे धीरे करके विश्वास बढ़ता है और इसको तत्व बोलते हैं, साक्षात्कार होना। ठीक है, यस प्रभु। प्रभु एक प्रश्न और है, जैसे कि आप अभी बोले कि हम लोग क्लास देने के लिए केवल नहीं श्रवण करना चाहिए, तो प्रभु हम लोग श्रवण करते हैं तभी तो हम लोग को पता भी चलता है कि हम लोग को क्या जीवन में, ठीक है क्लास देने के लिए ही हम लोग श्रवण कर रहे हैं, लेकिन फिर उससे हम लोग को बहुत कुछ जानने को भी मिलता है कि सीखने को भी मिलता है। नहीं देखिए, स्टैंडर्ड है, श्रवण नहीं करने से अच्छा श्रवण कीजिए। अभी श्रवण करने की भी क्वालिटी है। अभी श्रवण इसलिए कर रहे हैं कि दूसरे को बताना है, तो वो दूसरा स्टैंडर्ड है। सबसे बेस्ट स्टैंडर्ड क्या है, हमको महसूस होना चाहिए कि हमको इन इस ज्ञान की आवश्यकता है, इसलिए हम श्रवण कर रहे हैं ताकि अपने जीवन में हम उसको उतारेंगे, तो वो बेस्ट श्रवण है, सबसे अच्छा श्रवण वही है। ठीक है, यस ओके प्रभु। तो 10 नंबर पे आते हैं। वीतराग भय क्रोधा मम मया माम उपासिता बहवो ज्ञान तपसा कूता मद भाव मागता। पढ़िए। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो इसमें भगवान क्या बता रहे हैं, भगवान उदाहरण दे रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं ऐसा नहीं है कि अब ऐसा होगा कि नया रूल में बना रहा हूं कि मेरे दिव्य कर्म और जन्म के बारे में कोई जान जाएगा तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो ऐसा कोई नई चीज नहीं है, ऐसा पहले भी हो चुका है। तो वो भगवान ये 10 नंबर श्लोक में बता रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि पहले भी, पहले के कल्पों में, पहले के युगों में, तो ऐसा बहुत से लोग ऐसा उनके साथ ऐसा हो चुका है कि मेरे जन्म और कर्म के बारे में जान के वो मुझे प्राप्त कर चुके हैं। तो ज्ञान तपस्या, तो वो तपस्या क्या है, क्योंकि इंद्रियां संयमित नहीं होती हैं, इसलिए इंद्रियों को संयमित करना वो तपस्या है। इंद्रियों को संयमित करके इस ज्ञान को जीवन में उतारना एक तपस्या है, और इस ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारते हैं तो साक्षात्कार प्राप्त होता है। किसके बारे में, भगवान के जन्म और कर्म के बारे में, कैसे भगवान बहुत दिव्य है। तो वो तपस्या है जो उन्होंने की है, बहुवो ज्ञान तपस्या। तो इस तरह से मेरे बाद में ज्ञान प्राप्त किया है और तपस्या प्राप्त की है उसको साक्षात्कार में परिवर्तित करने की। तो इस तरह से क्या हुआ, पूता, पूता मतलब वो लोग शुद्ध हो गए। तो उस तपस्या के कारण वो लोग शुद्ध हो गए, और इस तरह से भावम आगता, उन्होंने मुझे प्राप्त किया। तो ऐसे लोग को हम कैसे समझ सकते हैं, वीतराग भय क्रोधा। तो ऐसे लोगों ने वीत, वीत मतलब मुक्त हो जाना, राग किससे, राग से, तो सांसारिक आसक्तियों से उनकी मुक्ति हो चुकी है, उससे हम समझ सकते हैं ऐसे लोगों को। क्रोध से लोगों की मुक्ति हो चुकी है, भय से मुक्ति हो चुकी है कि उनको किसी अनजान व्यक्ति से भय नहीं होता है कि कोई व्यक्ति आएगा हमको मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, तो उनसे उनको भय नहीं होता है। कुछ कोई अपनी नई थ्योरी सुनाता है उससे कोई भय नहीं होता है। क्यों भय नहीं होता है, मन माया, पूर्ण रूप से कृष्ण में डूबे हुए हैं। तो वो पूर्ण रूप से, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कृष्ण में डूब जाते हैं, कृष्ण के बारे में श्रवण कीर्तन करने में, स्मरण करने में, कि वो इन चीजों से मुक्त हो जाते हैं ऐसे लोग, और अंत में क्या होता है, वो वापस कृष्ण के पास चले जाते हैं। तो इस तरह से आज ऐसा नहीं है, कोई नई चीज है कृष्ण बोल रहे हैं, ऐसे लोग बहुत सारे लोग हैं जो मद भावम, मेरे प्रति भाव और प्रेम को प्रकट कर चुके हैं। तो वो भी इस भाव और प्रेम को प्राप्त कर चुके हैं, तो
तुम भी प्रयास करो तुमको भी प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं। और इसका क्या कर सकते हैं, आखिरी वो पढ़ लीजिए, इसका आखिरी पैराग्राफ। प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नव दीक्षित भक्त उसके आदेशानुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। इस प्रकार सदगुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वह श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनावृत में आसक्ति उत्पन्न होती है जो भाव में अथवा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति की मंद विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है और समस्त भौतिक आसक्ति व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। इसमें प्रभुपाद जी ने ये पूरी की पूरी जो 9 स्टेज है भक्ति की उसके बारे में बताया हुआ है। तो जब व्यक्ति भक्ति के अलग अलग अंग हैं जैसे श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि इनको जब करता है तब क्या होता है, तब धीरे धीरे करके उसका भक्ति में विकास होता है। तो भक्ति में विकास कैसे होता है, उसकी एक श्रेणी है, वो एक प्रोसेस है। तो शुरुआत कैसे होती है, शुरुआत होती है जब व्यक्ति किसी भी भक्त के संपर्क में आता है। तो भक्त के हृदय में जो भक्ति है वो उस भक्त के हृदय में करुणा को उत्पन्न करती है और फिर उस भक्त के अंदर दूसरे को भक्ति देने का की इच्छा होती है। तब वो भक्त क्या करता है, अगले व्यक्ति को किसी तरह से उसकी अज्ञात स्वीकृति को बढ़ाने का प्रयास करता है। तो उसके दो तरीके हैं भक्ति मिलाने के, एक होते हैं बोलते हैं स्वभाव की, एक दूसरा बोलते हैं बल उत्पादित। बल उत्पादित मतलब कुछ बहुत स्ट्रांग भक्त होते हैं तो इतना अच्छा फिलोसफी सुनाते हैं कि लोग फटाफट कन्विंस होकर आ जाते हैं, या तो ऐसे संभव है। या फिर साधारणता जनरली कैसा होता है, वो अज्ञात स्वीकृति से होता है। तो अज्ञात स्वीकृति का मतलब क्या, बिना जाने व्यक्ति कुछ भी भक्ति का कार्य करता है और उसको अप्रिशिएट करता है। तो जैसे हम लोग प्रसाद वितरण करते हैं, क्यों करते हैं, लोग प्रसाद खाते हैं उनको अच्छा लगता है, अरे इसको उनकी खिचड़ी बहुत अच्छी है। एक बार खिचड़ी खाएगा, दूसरी बार खाएगा, तीसरी बार खाएगा, उसको और मन करेगा खाने का। फिर खाता रहेगा एक दिन तो शर्म आएगी उसको, बोलेगा ठीक है भाई यार कम से कम जब भी कर लेते हैं। तो उस तरह से जब करने का मन करने लगता है। तो जब भी कोई व्यक्ति सुकृति करता है, सुकृति करने से क्या होता है, उसका भक्ति प्रति आकर्षण बढ़ता है। जब आकर्षण बढ़ता है तो क्या होता है, और सुकृति करने का मन करता है, और सुकृति करता है और आकर्षण बढ़ता है, फिर और भक्ति करने का मन करता है। तो इससे करते करते जब आकर्षण इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति गुरु साधु शास्त्र के आदेशों को का पालन करने के लिए तैयार हो जाता है, तो वो जो श्रद्धा उसको बोलते हैं आदर्श श्रद्धा। यहां श्रद्धा दी हुई है किसकी प्रति, श्रद्धा गुरु साधु शास्त्र के प्रति श्रद्धा। इसलिए जब भी हम प्रचार करते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि उस व्यक्ति की भक्तों के प्रति और ग्रंथों के प्रति श्रद्धा बढ़नी चाहिए। तो अगर वो बढ़ रही है तो वो व्यक्ति आगे की सीढ़ी को आगे जा सकता है। अगर ग्रंथों के प्रति श्रद्धा नहीं बढ़ी है, भक्तों के प्रति श्रद्धा नहीं बढ़ी है, तो फिर वो व्यक्ति अभी नहीं आ सकता कम से कम भक्ति में। इसलिए हम लोग शुरुआत में लोगों को बताते हैं कैसे के जो वेदों में दिया हुआ है वो सही है। तो प्रभुपाद जी क्यों इतना सब बताते, कहते कोई ऐसी मशीन बना सकता है कि एक तरफ से आप घास डाले दूसरी तरफ से दूध निकलेगा ना, तो गाय मिली हुई हमको। वैसे उसी तरह से बताते हैं कि
भगवान कैसे हमको मेंटेन करते हैं कि बच्चा पैदा होता है और माता के स्तन में दूध आ जाता है, पैदा होते ही मेंटेनेंस चालू हो जाता है। चीटी सी लेके हाथी कौन मेंटेन कर रहा है, भगवान मेंटेन कर रहा है। या फिर ग्रंथों में लिखा हुआ है कि गोबर शुद्ध है, अभी साइंटिस्ट लोगों को पता चला है। एम्ब्रोलॉजी पूरी थर्ड तीसरे स्कंद में दी हुई है, वो अभी वो तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य लिखने के बाद लोगों को पता चला है। 1980s में भी ऐसे माइक्रोस्कोप नहीं थे जिसको माता के घर में क्या हो रहा है पता चले, और ये सारा डिटेल पहले से दिया हुआ है, कपिल देव ने दिया हुआ है। तो उस तरह से सुन सुन के व्यक्ति को क्या होता है, श्रद्धा बढ़ती है, आदो श्रद्धा। जब श्रद्धा बढ़ जाती है तब वो क्या करता है, साधु संग करता है, क्योंकि अभी गुरु साधु शास्त्र के प्रति श्रद्धा आ गई है, तो क्या करेगा वो साधुओं के संग में जाएगा, और साधुओं के संग में जाकर क्या करेगा, भजन क्रिया। अभी शास्त्रों के प्रति श्रद्धा आ गई ना, शास्त्रों को सुनेगा और शास्त्रों में लिखा हुआ कि आप जप कीजिए तो जप करेगा, श्रवण कीर्तन इत्यादि करेगा, भगवान की वगैरह की पूजा करेगा। तो उस तरह से क्या चालू होता है, भजन क्रिया। और भजन करने से क्या होता है, धीरे धीरे करके अनर्थ जाना चालू होते हैं, और अनर्थ लगभग जब चले जाते हैं, पूर्ण रूप से नहीं लेकिन लगभग खत्म हो जाते हैं, तब क्या होता है, व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण से मुक्त हो जाता है और काफी हद तक सत्वगुण में स्थित हो जाता है। तो रजोगुण तमोगुण के कारण क्या होता है, तमोगुण के कारण व्यक्ति भक्ति करने में आलसी हो जाता है, रजोगुण होने के कारण व्यक्ति यहाँ वहां मन भागता है, भक्ति मन नहीं लगता है। तो जब व्यक्ति लगभग रजोगुण तमोगुण से मुक्त हो जाता है तो किसमें आता है, निष्ठा की स्टेज पे आता है। अभी वो कैसा हो गया, स्टडी हो गया, जोश भी होश वाला नहीं है। एक दिन आया फटाफट मंगल आरती में उठ गए, जल्दी मंगल आरती में आ गए, अगले दिन है तो पूरे पड़े हुए हैं कि प्रभु हो ही नहीं रहा है, उठ नहीं सकते। वैसा नहीं है, वो स्टडी रहता है, तो निष्ठा बोलते हैं। और निष्ठा में आने के बाद में फिर धीरे धीरे करके रुचि प्राप्त होती है, टेस्ट आता है किसकी प्रति, श्रवण कीर्तन की प्रति। तो रुचि ते निष्ठा तक व्यक्ति कैसे श्रवण कीर्तन करता है, वो ड्यूटी की तरह करता है। तो कभी कभी थोड़ा आनंद आता है, ऐसा नहीं, हम लोगों को भी कभी कभी आनंद आता है ना, जब हम लोग कीर्तन मेला वगैरह में जाते हैं या फिर ना दामोदर आरती वगैरह करते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं भी आता है। लेकिन रुचि में क्या होता है, रुचि में पूरा आनंद आने लगता है, और धीरे धीरे करके जब व्यक्ति भक्ति करते रहते हैं तो क्या होता है, फिर आसक्ति उत्पन्न होती है किसकी प्रति, अभी कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। रुचि तक आसक्ति किसकी प्रति थी, श्रवण कीर्तन की प्रति, लेकिन कृष्ण के प्रति उतनी आसक्ति नहीं थी, भजन के प्रति आसक्ति थी। तो कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है आसक्ति में, और उसके बाद आध्यात्मिक भाव उत्पन्न होते हैं। ये बहुत ऊंची की स्टेज है। हाँ, तो जैसे व्यक्ति का बहुत भाव होता है अपने बच्चों के प्रति, अपने घर वालों के प्रति, अपने सामान के प्रति, तो उस तरह से कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न होता है, और फिर एंड में क्या होता है, वो कृष्ण प्रेम उत्पन्न होता है, जब व्यक्ति कृष्ण से प्रेम करने लगता है। तो इस तरह के ये 9 स्टेजेस बताई हुई हैं। तो ये धीरे धीरे होती हैं, पर तरीका वही है कि कोई भी शुद्ध भक्त के आश्रय में व्यक्ति को भक्ति के सारे जो अंग हैं उनको प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब ये धीरे धीरे करके स्टेजेस आगे बढ़ती हैं। ठीक है, तो ये 9 स्टेजेस के बारे में प्रभुपाद जी ने यहाँ बताया हुआ है। प्रभु जी, अक्सर ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं कि जब मंदिर जाते हैं या भगवान के दर्शन करते हैं तो वैसी कोई भक्ति फील नहीं होती है, मतलब कुछ ऐसा फील नहीं होता, लेकिन जब भक्त से मिलते हैं तो एंथुसियाज्म बहुत बढ़ जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए है क्योंकि कृष्ण के प्रति अभी हमारा उतना प्रेम नहीं है, लेकिन भक्तों के संग में क्या है, उनकी जो कृष्ण के प्रति भावना है वो हमको प्राप्त होती है। इसलिए भगवान बोलते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदय सुवा यत्र गायन्ति मद भक्ता तस्य तिष्ठामि नारदः। क्योंकि साधारण व्यक्ति के लिए वो वैकुंठ को एक्सेस कर ही नहीं सकता है, योगी के हृदय में भी जो भगवान विराजमान है उनको भी एक्सेस नहीं कर सकता है। एक्सेस किसको कर सकता है, जब बाकी भक्तों का भक्तिभाव देखते हैं तब वो हमको टच कर जाता है। तो ये साधारणता होता है, क्योंकि अभी हमारे अंदर भाव नहीं है तो हमको उसको उधार में लेना पड़ता है भक्तों से। ठीक, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। मत
बोल रहे प्रभु जी, अगर हम लोग किसी को, किसी के हृदय को परिवर्तन नहीं कर सकते, तो क्या हमारे हृदय के अंदर में भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति नहीं है? देखिए, परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमको कैसे पता चलेगा? तो कई बार अज्ञात सुकृति से एकदम से दिखता नहीं कि परिवर्तन हुआ है। इसलिए बहुत सारे भक्तों लोगों का अनुभव है कि कई लोग तो तीन तीन साल, तीन साल तक सिर्फ प्रोग्राम में जाते हैं, जब लेक्चर खत्म हो जाता है उसके बाद वो प्रसाद खाने के लिए। तो एक भक्त बता रहा है उसको 8 साल लगा, 8 साल प्रसाद खाया उसने। तो कई बार क्या होता है, ऐसा नहीं है कि ये फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है, लेकिन टाइम लगता है, सबको अलग अलग टाइम लगता है श्रद्धा उत्पन्न होने में। तो दो चीजें हैं, एक तो हमारा, हमारी क्या भक्ति भाव है उस पर भी डिपेंड करता है, और दूसरा उस व्यक्ति की रिसेप्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। इसलिए भक्तों को कम से कम क्या करना चाहिए, हर व्यक्ति के साथ एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो उनका भक्तों के प्रति क्या होता है, एप्रिसिएशन बढ़ता है। जितना वो भक्तों को अप्रिशिएट करेंगे, जितना प्रसाद को अप्रिशिएट करेंगे, जितना कीर्तन को अप्रिशिएट करेंगे, उतना ज्यादा उनको स्वीकृति प्राप्त होगी। इसलिए हम लोगों को कम से कम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वैसा हम करते रहेंगे तो परिवर्तन आएगा, ऐसा नहीं है। तो दोनों चीजों पर डिपेंड करता है, हमारे हम लोग कैसे भक्ति दे रहे हैं, हमारा कितना भक्ति भाव है, और साथ में वो व्यक्ति उसको कैसे रिसीव कर रहा है। कृष्ण स्वयं प्रकट हो गया, उनका वो विराट रूप देख के दुर्योधन के हृदय में कुछ नहीं हुआ। तो उसकी हृदय, किसी का हृदय एकदम बंजर जैसा है तो क्या कर सकते हैं? तो उन लोगों को बहुत टाइम लगता है, तो फिर भगवान को आना पड़ता है उनको फिजिकल ऑपरेशन करने के लिए। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। अच्छा प्रभु जी, अनर्थ निवृत्ति किस लेवल पर आकर समाप्त हो जाती है? बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये जब लगभग रजोगुण तमोगुण लगभग समाप्त हो जाते हैं तब वो खत्म होती है। तो वैसे उसके 6 स्टेजेस हैं, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है सब डिस्कस करने का, वो अलग क्लास होती है ना। जैसे तो, यहाँ पर भक्ति के 9 स्टेज बताए गए हैं, तो भी निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, किस लेवल पर आकर समझना चाहिए कि यहाँ पर आकर अनर्थ निवृत्ति पूर्ण हो गई है? कहाँ पर पूर्ण? पूर्ण 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 अनर्थ खत्म होते हैं प्रेम में आके। हाँ, तो प्रेम प्राप्त होता है तो जो अनर्थ, कौन से अनर्थ, 4 तरह के अनर्थ होते हैं, सुकृत होता है, दुष्कृत होता है, भक्ति होता है और अपराध होता है। एक होते हैं सुकृत होता, मतलब जो पुण्य किए उनको भी खत्म करना है, वो भी अनर्थ है। तो पुण्य कार्यों के प्रति जो हमारी रुचि रहती है वो भी आराम से खत्म नहीं होती है। फिर दुष्कृत होता मतलब पाप वाले हैं, वो सबको पता है, वो हर कोई जानता है, अनर्थ है। फिर कुछ होते हैं भक्ति होता, भक्ति होता मतलब है जब व्यक्ति अच्छे से भक्ति करने लगता है तो बहुत पूजा लाभ प्रतिष्ठा मिलती है, बहुत सारे आपके फॉलोअर्स बन जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें कई बार लोगों को रुचि आने लगती है, उसमें डेबिट हो जाते हैं, कह रहे इतने सारे हमारे फॉलोअर हो गए हैं, इतना नाम है, ख्याति है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, उसी में आनंद लेने लगता है। पर जब अगर ठीक से हो रहा नहीं हो रहा है कोई बात नहीं है, ग्रंथों का अध्ययन ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है कोई बात नहीं है, क्यों बोलते लोग जयकार कर रहे हैं, मतलब प्रगति तो हो ही रही है, तो ऐसे लोग फंस जाते हैं, इसको बोलते हैं भक्ति होता है। और जो चौथा होता है उसको बोलते हैं अपराध होता है। जो अपराध होता होता है वो सबसे एंड में जाता है, जब कृष्ण के साथ हमारा संपर्क हो जाता है, तो जो वैष्णव के प्रति अपराध है वो सबसे एंड में जाता है। इसलिए वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, वो सबसे खतरनाक है। तो उसमें बहुत टाइम लगता है, तो जब हम कृष्ण को सामने मिल जाते हैं तब हो जाता है। ओके प्रभु। अच्छा प्रभु जी, और एक प्रश्न था, बोल रहे थे ये आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति भी है, जैसे हमको क्या समझना चाहिए कि किस स्तर पर आकर आत्म साक्षात्कार किसी को हो जाता है? वो भाव और प्रेम के स्तर पर, भाव के प्रेम, भाव के स्तर पर शुरुआत देखिए आसक्ति से होती है। हाँ, लगभग भाव में क्लियर हो जाता है और प्रेम में तो एकदम ही क्लियर हो जाता है। तो आसक्ति वो कैसा है, वो फूल जैसा है। आसक्ति को तुलना की जाती है एक उसको क्या बोलते हैं, बर्ड, बर्ड फ्लावर, बर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, कली। हाँ कली, हाँ कली, कली। तो कली है, तो उसकी तुलना की जाती है आसक्ति से, फूल की तुलना की जाती है भाव से, और जब फूल फल में परिवर्तित हो जाता है तो उसकी तुलना की जाती है प्रेम से।
तो तब वो शुरुआत होता है। तो लगभग आसक्ति में लगभग व्यक्ति को हम कौन है आध्यात्मिक जगत में पूरा रूप दिखने लगता है, और लगभग कृष्ण कौन है समझ में आता है लगभग आसक्ति में। भाव में इमोशन भी आने लगते हैं और प्रेम में एकदम, तो उस तरह से सडन चेंजेस है। ठीक है, थैंक यू। हरे हरे कृष्णा प्रभु, मेरा एक प्रश्न है। बोलिए बोलिए प्रभु। जैसे एक लेक्चर में सुन रहे थे कि अनर्थ निवृत्ति ये सब तब भी बोलते थोड़ी कम हो जाती है भक्ति करने से, लेकिन स्वभाव चेंज होना बहुत मुश्किल है। स्वभाव बोलते हैं जल्दी से चेंज नहीं होता है। हाँ, तो स्वभाव चेंज होता है, कैसे स्वभाव चेंज कर सकते हैं? स्वभाव चेंज कर सकते भक्ति करने से चेंज होगा ना। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जब भाव के स्तर पर व्यक्ति पहुंचता है तब जाके ये जो आपका सूक्ष्म शरीर है वो खत्म होता है, तो वो पूर्ण रूप से स्वभाव तब खत्म होता है। लेकिन निष्ठा के स्टेज पे आते हुए क्या होता है, निष्ठा के स्टेज पे आने से जो स्वभाव हमारे रजोगुण तमोगुण के कारण है वो खत्म हो जाते हैं कम से कम। तो जो सत्वगुणी स्वभाव है वो रहेंगे, वो तब तक कब तक रहेंगे, वो तब तक रहेंगे जब तक हम भाव के स्टेज में नहीं पहुंच जाते। ठीक है ना? ओके ओके, हरिओम। ठीक है, तो अभी आगे चलते हम लोग। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। एक प्रश्न था मेरा भी। हाँ, आखिरी प्रश्न। हम लोग तो ग्रस्त है और हम लोग को बाहरी बहुत चीज ऐसी होती है जिसमें इंटरफेयर करना पड़ता है, और हम लोग भक्ति भी करते हैं, तो हम लोग को भोजन टूंटिंग करते हैं, कमेंट्स करते हैं, और एक भक्त भक्ति भी कर रहा है और ऐसे करके इंटरफेरेंस भी कर रहा है। तो इंटरफेयर करने के लिए हम लोग इन्वॉल्व किया जाता है जबरदस्ती, हम लोग इंटरफेयर करें कोई भी चीज में। जैसे ग्रस्त लोग जैसे हैं वो भौतिक जगत में कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस करना पड़ता है, और हम लोग भक्त भी हैं, भक्ति भी करते हैं, तो बहुत देखते हैं। उदाहरण दीजिए, उदाहरण 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 माने कोई भी ऐसा इश्यू है कोई चीज के अंदर में जिसमें हम लोग सटीक अगर बताते हैं और कुछ बात करते हैं, कुछ बात को लेकर माने भक्ति को लेकर नहीं, जैसे भौतिक जगत की बात है उसके अंदर में इंटरफेयर करते हैं, और लोग जानते भी कि भक्ति भी करते हैं, तो लोग टूंटिंग करते हो, आप भक्ति भी करते हो, आपको बहुत मोह माया है हर चीज के अंदर में जब इंटरफेयर करते हो। तो मोह माया है ना, सही है, वो है मोह माया। तो मोह माया इतने आराम से नहीं जाती है, मोह माया को टाइम लगता जाने में, है मोह माया। अरे भाई आपको छोड़ दीजिए, ग्रस्त लोग ब्रह्मचारी के लोगों का भी एक वो रहता है, कुछ ब्रह्मचारी का भी किसी पार्टी से आ सकती है, किसी भी किसी पार्टी से आ सकती है, ठीक है ना। तो वो बैकग्राउंड में वो चीजें रह जाती है, तो इतने आराम से नहीं जाती है। अब सही बताओ, मेरे को भी पहले भक्ति मानने से पहले हम लोग का बहुत कनेक्शन था RSS BJP वगैरह से, तो अभी तक वो थोड़ा आसक्ति रहती है। तो अभी कहीं भी सुनते हैं कि कहीं इलेक्शन हो रहा है तो मन करता है कि हमारी BJP जीतनी चाहिए, तो वो सब क्या है, वो सब आसक्ति रहती है, इतने आराम से जाती नहीं हो, टाइम लगता है। ओके, तो फिर अर्जुन के उन्होंने प्रश्न आता है कि आपके भक्त सोचते हैं कि आपके जानवर कर्म कैसे हैं, दिव्य हैं, किंतु जो ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी तो नहीं सोचते हैं कि आपके जानवर कर्म दिव्य हैं, तो उनके साथ क्या होता है? तो फिर भगवान 11 नंबर श्लोक बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामसे तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसः। पढ़िए। जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप में उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, जो व्यक्ति मेरी जैसी आराधना करता है प्रपद्यन्ते, तो भजामी, तो जिस तरह से वो मेरा भजन करता है उस तरह से मैं उसका क्या करता हूँ, उसको वैसा परिणाम देता हूँ। तो जो भक्त हैं, भक्त क्या सोचते हैं, कृष्ण के जानवर कर्म दिव्य हैं, नित्य हैं, वो कृष्ण की लीलाओं में हिस्सा लेने की इच्छा करते हैं, इस तरह से कृष्ण की पूजा करते हैं और कृष्ण को प्रसन्न करने का प्राप्त करते हैं, प्रयास करते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों को मैं क्या करता हूँ, उनको प्रेम भक्ति देता हूँ और मैं उनको इच्छा पूरी करते हुए उनको अपना पार्षद बना लेता हूँ, तो इस तरह से उनको अपने पूजा का फल मिलता है। जो ज्ञानी है, जो सोचते हैं
तो ये भी ज्ञान हासिल कर रहे हैं कृष्ण के बारे में, पर उनको ये भरोसा नहीं है कृष्ण कैसे हैं, नित्य हैं। तो जो लोग जो ज्ञानी है वो क्या सोचते हैं, भगवान की विग्रह जन्म कर्म ये सब के सब कैसे हैं, ये सब क्षणिक है, भगवान आया लीला करके चले गए, अभी खत्म हो गया, अभी उनका कुछ लेना देना नहीं है। तो जो सोचते हैं कृष्ण का शरीर क्षणिक है, कृष्ण की विग्रह क्षणिक है, कृष्ण का जन्म कर्म क्षणिक है, तो उनको मैं क्या देता हूँ, उनको भी मैं क्षणिक शरीर दे देता हूँ। तो बार बार माया देवी को दे देता हूँ, माया देवी उनको बार बार क्षणिक शरीर देती रहती है, फिर वो जन्म कर्म के चक्कर में फंसे रहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। तो जो सोचते हैं मैं क्षणिक को, मैं भी उनको क्षणिक शरीर देता हूँ, तो मैं भी उनके साथ ऐसी आदान प्रदान कर रहा हूँ। और जो लोग सोचते हैं कृष्ण के जन्म कर्म इत्यादि नित्य हैं, किंतु सबसे ऊंची चीज तो ब्रह्म ज्योति है, तो मुझे ब्रह्म ज्योति में लीन होना है, तो भगवान बोलते हैं मैं उनको ब्रह्म ज्योति में लीन होने के आज्ञा देता हूँ, वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो सकते हैं। तो इस तरह से जिस जिस भाव के साथ में व्यक्ति भगवान के पास आता है, भगवान बोलते हैं मैं उसको वो चीज दे देता हूँ। तो कई बार कुछ लोग हैं, खासकर ये बंगाल में बड़े फेमस है यतोमत तथोपत, तो वो लोग कई बार इसकी दूसरी लाइन कोट करते हैं कि मम वर्तनानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थसा। अल्टीमेटली सब लोग तो भगवान को ही फॉलो कर रहे हैं, अल्टीमेटली सब लोग भगवान को फॉलो कर रहे हैं, कुछ जान के कर रहे हैं, कुछ अनजाने में कर रहे हैं, लेकिन भगवान पहली लाइन नहीं बोलते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। पहली लाइन क्या है कि आप जैसे भगवान का भजन करेंगे, भगवान वैसे आदान प्रदान करेंगे। तो ये भी क्लियर चीज है। तो अगर आप सोच रहे हैं भगवान के जन्म कर्म इत्यादि क्षणिक हैं, तो क्षणिक रिजल्ट ही मिलने वाला है, पूर्ण रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे लोग वो नहीं देखते, और ऐसे लोग अगला श्लोक नहीं देखते। तो ऐसे लोग कई बार हैं जिनका ये फिलोसफी है, वो काली की पूजा करते हैं, उनको पता नहीं है कि ये अगला श्लोक में क्या दिया हुआ है। हाँ, तो अगले श्लोक में भगवान देवी देवताओं की पूजा करने के बारे में बता रहे हैं। तो इस तरह से सब भगवान का फॉलो कर रहे हैं जाने मन जाने में, लेकिन जिस भाव के साथ व्यक्ति जाता है वैसा उसको परिणाम मिलता है। तो ये भगवान यहाँ पर एकदम क्लियर कर रहे हैं। तो इसलिए अगले श्लोक में भगवान किसके बारे में बताते हैं, देवी देवताओं। हाँ बोलिए। तो लास्ट लाइन में लिखा हुआ प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है, लेकिन प्रभु मैं कुछ ऐसे जानता हूँ मैंने पर्सन को जो भगवान पर विश्वास नहीं करते, केवल कर्म पे विश्वास करते हैं, या भगवान को मानते ही नहीं है, कृष्ण को मानते नहीं है, तो फिर यह कैसे भगवान बोल रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है, ये डाउट है प्रभु। हाँ, वो इंद्रिय तृप्ति तो चाहते हैं ना, ऐसे लोग इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं ना। यस, वो बोलते हैं कर्म से ही सब कुछ हो जाता है, उसी वो कर्म ही सब कुछ है। तो यहाँ प्रभु भगवान बोल रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं, तो वो लोग कभी गीता नहीं पढ़ते हैं, या भक्ति नहीं करते हैं, या भगवान कर्म क्या करते हैं, वो कौन सा कर्म करते हैं, वो लोग क्या कर्म करते हैं, वो जैसे कि मनुष्य सेवा या देश का लेकर कोई काम, ये सब ईश्वर को कृष्ण को नहीं मानते हैं, वो किसी प्रकार के भगवान को नहीं मानते। लेकिन खाने के लिए तो अच्छा खाते हैं कि नहीं खाते हैं? यस, खाते तो है पर। हाँ, अच्छे तो कपड़े पहनते नहीं पहनते हैं? खाते हैं पर वो तो उसमें वो नॉन वेज का भी प्रयोग करते हैं। हाँ, तो वो मैं बोल रहा हूँ उस तरह से वो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं ना। हाँ, कर तो रहे। तो किसकी पूजा कर रहे हैं? वो इंद्रियों की पूजा कर रहे हैं, माया की पूजा कर रहे हैं। और माया किसकी दासी है? वो कृष्ण की दासी है। तो उस तरह से वो लोग इनडायरेक्टली भगवान को फॉलो कर रहे हैं। इनडायरेक्टली फॉलो करेंगे तो इनडायरेक्ट रिजल्ट मिलेगा ना। तो पूरी दुनिया माया की उपासक है, तो भगवान उनको क्या करते हैं, उनको माया में डाल देते हैं। और जो लोग कृष्ण के उपासक हैं, वो उनको कृष्ण प्राप्ति होती है, सिंपल। तो चलिए, जाने अनजाने में हर कोई कृष्ण पर आश्रित है और कृष्ण को फॉलो कर रहा है, लेकिन अनजाने में करेगा तो उसको वैसा रिजल्ट मिलेगा, जान के करेगा तो कुछ और रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, सही बोल। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के नियम भी किसने बनाए हैं? वो भी भगवान ने ही बनाए हैं।
किसने बनाया है कि आप मुंह में अगर कुछ डालेंगे तो स्वाद आएगा, वो नियम किसने बनाया? वो कृष्ण ने बनाया। किसने नियम बनाया है कि किसी आप सुंदर वस्तु को देखेंगे तो आनंद आएगा? वो कृष्ण ने बनाया है। तो इस तरह सारे नियम कृष्ण के ही बनाए हुए हैं, तो कोई भी कुछ भी करता है वो किसको फॉलो कर रहा है? कृष्ण के नियमों को ही फॉलो कर रहा है। व्यक्ति भक्त है, अभक्त है, नास्तिक है, आस्तिक है, जो भी है, अगर वो चौथे फ्लोर से कूदेगा तो कहां जाएगा? नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि कृष्ण ने नियम बनाया है कि कोई भी कूदेगा तो कहां जाएगा? नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। इसलिए सब लोग जाने अनजाने में कृष्ण के नियम को भी फॉलो कर रहे हैं और उस हिसाब से परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर 12 नंबर पे आते हैं। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं कर्मी ज्ञान इत्यादि सब कोई जाने अनजाने में मुझे ही फॉलो कर रहे हैं और उनको मैं वैसे ही रिजल्ट देता हूं। और ठीक है, तो फिर उसके बाद में, तो पहले उन्होंने बताया ज्ञानी के बारे में, अभी जो लोग देवी देवताओं की पूजा करके हैं करते हैं उनके बारे में बताया हुआ है। कांचता कर्म नाम सिद्धिम यजंती एह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। बड़ी है उसको, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो भगवान बोलते हैं कि जो लोग पूर्ण रूप से भौतिक कामनाओं से भरे हुए हैं वो भक्ति नहीं अपनाते, भक्ति को छोड़ देते हैं। तो भक्ति के द्वारा वो सीधे मेरी पूजा करके मुझसे अपनी अपनी वांछित इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते हैं, वो इनडायरेक्ट बात करते हैं, इनडायरेक्टली जाते हैं। तो कर्म इत्यादि वो लोग फॉलो करते हैं, कर्मकांड इत्यादि, उसके द्वारा वो फटाफट क्योंकि स्वर्ग जाना चाहते हैं। तो उस तरह से हो गया, कई बार आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग जाते हैं तो सरकारी प्रोसीजर से जाने में बहुत लगता है दिक्कत होगी, तो क्या करते हैं जो वो है ऑफिसर, उसको रिश्वत देके फिर अपना काम फटाफट कराना चाहते हैं। तो सर भगवान ने पूरा नियम बनाया हुआ है और आप डायरेक्टली भगवान के पास जाके भी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, देवताओं के पास जाके डायरेक्ट काम कराते हैं। जैसे हमको याद है जब हम लोग वो बनने आ रहे थे बिजली का बिल, तो मेरे को बोलते थे पिताजी जाके भर के लाओ, तो बिल भरने के लिए आए तो बहुत लंबी लाइन लगती थी, यहाँ उसमें एक आध लोग चक्कर खाए गिर भी आए थे, इतनी लंबी लाइन। तो फिर लोग कुछ लोग क्या करते थे कि वो इनडायरेक्ट पड़ता है, इनडायरेक्ट क्या था, बिल भी दे देते और साथ में कुछ 10 का नोट भी दे देते, तो वो बगल वाली खिड़की थी उसमें कोई लाइन नहीं थी, तो वहां से अपना बिल वो करा लेते, पास करा लेते। तो उस तरह से कई लोग भगवान के पास नहीं जाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भगवान के पास जाने से टाइम लगेगा, उनको भी फटाफट प्राप्त हो जाता है, पर उनको विश्वास नहीं है। तो ऐसे लोगों को विश्वास नहीं है कि कृष्ण के पास में जाएंगे तो हमको अपने जो भी चीज हमको चाहिए वो प्राप्त हो जाएगी, तो वो लोग क्या करते हैं, देवताओं के पास में जाते हैं, क्योंकि देवता ये नहीं देखते हैं कि चीज आपके लिए अच्छी है कि नहीं है, वो आपको फटाफट क्या करते हैं, फटाफट परिणाम देते हैं। तो ये शायद हमने पहले भी उदाहरण दिया था क्या, दुकानदार वाला उदाहरण, तो याद होगा आपको। तो उस तरह से देवता लोग कैसे हैं, दुकानदार जैसे हैं, वो पैसा लेते हैं, सामान देते हैं, और कृष्ण कैसे जैसे हैं, पिताजी जैसे हैं, जो चीज आपके लिए अच्छी होगी वही देंगे, अच्छी नहीं है तो रुकने के लिए बोलते हैं। तो उस तरह से देवता वैसे लोग कहाँ जाते हैं, देवताओं के पास जाते हैं। तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि हे भगवान, ज्ञान और भक्ति तो मोक्ष देने वाला है या फिर आपके पास वापस जाने को मिलता है, लेकिन जो कर्म है वो तो बंधन का कारण बनता है। कर्म के कारण व्यक्ति क्या होता है, बनता है।
तो आपने एक कर्म का पथ बनाया क्यों है जब ये बंधन का कारण है? तो फिर भगवान 13 नंबर श्लोक बोलते हैं। उसके पहले मैं एक उदाहरण भूल गया था इसमें, जैसे वो बोल रहे थे कि कैसे सब लोग भगवान को फॉलो करते हैं, तो उसका एक अच्छा उदाहरण है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट ने सभी लोगों के लिए नियम बनाए हुए हैं और सब लोग एक हिसाब से क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट के नियम को ही फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो लोग गवर्नमेंट के नियम को तोड़ देते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाया हुआ है, जेल बनाई हुई है। और जेल में किसका नियम चलता है, किसका नियम चलता है जेल में? जेलर। हाँ, वो जेलर गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट का ही चलता है ना, जेलर भी अल्टीमेटली गवर्नमेंट का लॉ फॉलो करवा रही है ना, तो वहां भी गवर्नमेंट का लॉ चलता है। ऐसा नहीं कि जेल के अंदर गवर्नमेंट का लॉ नहीं चलता है, वहां भी गवर्नमेंट का लॉ चलता है, पर वो अलग लॉ है। तो उस तरह से जो लोग भगवान को की डायरेक्टली पूजा करते हैं वो जो भगवान को फॉलो कर ही रहे हैं, पर जो बोलते हैं कि नहीं नहीं हम भगवान को नहीं मानते हैं, कर्म को मानते हैं, इसको मानते हैं, उसको मानते हैं, वो भी किसको फॉलो कर रहे हैं, भगवान को ही फॉलो कर रहे हैं। ये कहां, जेल के अंदर। तो ये दोनों में अंतर है। तो उस तरह से हर कोई भगवान को ही फॉलो कर रहा है। तो भगवान ने कर्म का पथ क्यों बनाया है, तो वो भगवान 13 नंबर श्लोक में बताते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा तस्य कर्तारम अभिमान विद्य कर्तारम अव्ययम। पढ़िए। प्रकृति के तीनों गुणों और उनके संबंध कर्म के अनुसार मैंने मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इन व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूँ। तो उस तरह से भगवान बोलते हैं कि ये पथ किसने बनाए हैं, ये चतुर जो चार वर्ण है, ये भगवान बोलते हैं ये मैंने ही बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि इन वर्णों के अनुसार कार्य करने से व्यक्ति धीरे धीरे करके शुद्ध होता है। तो जो लोग इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं, कंट्रोलर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने क्या बनाए हैं, चार वर्ण बनाए हैं। तो चातुर्य का दो मतलब ये भी है। तो एक मतलब है कि चार वर्ण, चातुर्वर्ण, और दूसरा चातुर्य का मतलब ये भी है कि सेल्फ इंटरेस्ट। तो जो लोग अपने में इंटरेस्ट लेते हैं कि हमको इंद्रिय तृप्ति करनी है, तो उनके लिए भगवान ने क्या बोला है, भगवान ने ये चार तरह के वर्ण बनाए। तो भगवान बोलते हैं इस सिस्टम को किसने बनाया, मैं ही इसका करता हूं। और ये किसके किसके अनुसार बना है, गुण कर्म विभाग सा। तो व्यक्ति के गुणों के अनुसार और कर्मों के अनुसार ये बनाया गया है। तो इस तरह से मैं उनको बनाने वाला हूं, किंतु मैं क्योंकि गुणों से बना नहीं हूं, बना हुआ नहीं हूं, तो इस तरह से मैं जो अव्यय हूं, जैसे हमने बता दिया अव्यय शरीर मतलब जो खर्च नहीं होता है, तो क्योंकि मेरा शरीर अव्यय है, व्यय नहीं होता है, तो एक हिसाब से मैं इन वर्ण और आश्रम से बंधा हुआ नहीं हूं, बल्कि मैं उनका बनाने वाला हूं। तो इसे क्लियर क्या होता है कि ये चतुर जो चार वर्ण है ये किसके अनुसार होते हैं, ये गुण और कर्म के अनुसार होते हैं। तो गुण जनरली कैसा होता है, तो रूपा जी लिखते हैं इसमें, वैसे तो इसके पढ़ लिए, तात्पर्य पढ़ लीजिए इसका, उसके बाद मैं समझाता हूं। भगवान प्रत्येक वस्तु के श्रेष्ठा है, प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के श्रेष्ठा है जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ण आता है जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वर्णिक वर्ग या वैश्य वर्ग कहलाने वाले लोग रजो तथा तमोगुण के दर्शन से युक्त होते हैं और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। मानव समाज के इन चार विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी भी विभाग में नहीं आते।
क्योंकि वह उन बद्ध जीवों में से नहीं है जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है, किंतु कृष्ण भावनामृत व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्मा या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश मानव भगवान अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांग कर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वह कृष्ण भावनामृत होता है, अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों यथा राम, नरसिंह, वराह आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है। और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चातुर्वर्ण्यम प्रणाली से परे है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चातुर्वर्ण्यम प्रणाली से परे होता है। चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का। तो उस तरह से रूपा जी ने जैसे बताया, ब्राह्मण किसमें होते हैं? सप्तगुण में होते हैं। जो क्षत्रिय हैं उनके अंदर सत्व भी होता है, और वैसे जनरली रजोगुण ज्यादा होता है, रजोगुण प्रधान होता है। वैश्य होते हैं, उनके अंदर रजोगुण है, रजोगुण प्रधान है और तमोगुण भी होता है। और जो शूद्र होते हैं उनके अंदर रजोगुण लगभग थोड़ा सा ही होता है, ज्यादा क्या होता है, तमोगुण ज्यादा होता है, तमोगुण प्रधान होता है। तो उस तरह से इस चारों वर्ण अपने अपने गुणों के अनुसार होते हैं। तो हर किसी का शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर किसके अनुसार बना है? तीनों गुणों से बना हुआ है। और उन गुणों के कारण क्या होता है, हमारा एक नेचर आता है। तो एक तो हमारा नेचर कौन सा है? कृष्ण की सेवा करना, वो है नित्य नेचर। लेकिन इस जगत में जब जीव आता है तो इस नेचर से व्यक्ति ठग जाता है। इसको बोलते हैं एक्वायर्ड, जो हमने यहाँ पर ग्रहण किया है। तो उस तरह से उसके अनुसार व्यक्ति की अलग अलग टेंडेंसी होती है। तो किसी की ब्राह्मण वाली होती है, किसी की क्षत्रिय वाली, किसी की वैश्य वाली, किसी की शूद्र वाली। किंतु वो होना काफी नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है। इसलिए बोलते हैं जन्म जायते शूद्र। तो इस हिसाब से जन्म से सब शूद्र हैं, क्योंकि वो टेंडेंसी काफी होना चालू नहीं, वो जरूरी नहीं है, काफी नहीं है। साथ में क्या होना चाहिए? प्रैक्टिस होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो प्रोपा जी उदाहरण क्या देते हैं कि अगर कोई जज का बेटा है तो उसका जज बनना कि काफी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पिताजी ही जज है। लेकिन सिर्फ क्योंकि वो जज का बेटा है और जज बनने की क्षमता उसके अंदर है, उतनी बुद्धि है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हम लोग वहां पे सिंहासन में बैठा देते हैं और वो जजमेंट करता रहता है। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? पूरा ट्रेनिंग के थ्रू जाना पड़ेगा, LLB वगैरह करके सब करके। तो कई समय बाद वो अप्रेंटिस वगैरह करके उसका बड़ी मुश्किल में जज बनता है। उसी तरह से हर व्यक्ति को नित्य प्राप्त हुआ है तीनों गुणों के कारण, किंतु साथ में क्या होनी चाहिए? कर्म। तो एक तो हो गया गुण और दूसरा हो गया कर्म। तो जब वो ट्रेनिंग मिलती है व्यक्ति को एक तरह की, तब वो व्यक्ति उस वर्ण के लिए फिट होता है। और वर्ण जाना कैसे जानता है? कमाई करने का साधन। तो जो पठन पाठन पढ़ के पढ़ा के यजन याजन भगवान की विग्रह की पूजा करना, यज्ञ इत्यादि करना, करवाना और दान परिग्रह, और क्या करता है? दान से जो पैसा मिला हुआ है उससे अपना जीवन यापन करता है। एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसको दे देता है दूसरे को, संग्रहित नहीं करता है। तो ब्राह्मण संग्रहित नहीं करते हैं, इसलिए ब्राह्मण हमेशा कैसे रहते हैं? गरीब रहते हैं, और जानबूझ के गरीब रहते हैं, क्योंकि अगर धन आता है तो इंद्रिय भोग के संसाधन आ जाते हैं, और जैसे ही इंद्रिय भोग के संसाधन आते हैं तो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है। इंद्रिय तृप्ति में लगेगा
तो फिर वो रजोगुण तमोगुण में गिर जाता है। इसलिए ब्राह्मण हमेशा कैसे रहने चाहिए, गरीब रहने चाहिए, इसलिए ब्राह्मण गरीब रहते हैं। तो ये ब्राह्मण हो गया जो ये कर रहा है, तो मात्र वो सत्वगुणी नहीं है, उसका नीचा सत्वगुणी होना चाहिए, लेकिन कर्म भी ऐसे ही होना चाहिए। अगर सत्वगुणी नहीं है तो पैसे के पीछे भाग के उसको इकट्ठा करेगा, वो ये सब नहीं कर पाएगा। क्षत्रिय क्या है, वो प्रजा पालन करके टैक्स वैक्स मिलता है, वो सबसे मिलता है, तो उस तरह से वो लोग अपना कमाई करते हैं, जीवन यापन करते हैं। किसके द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास होती है उसको बोलते हैं क्षत्रिय, जो प्रजा पालन करते हैं। तो सर क्षत्रिय भी बहुत कम है, ब्राह्मण भी बहुत कम होते हैं। वैसे कौन है, कृषि गौर रक्षा भारत, जो लोग खेती करते हैं, गाय की रक्षा करते हैं और वाणिज्यम बिजनेस करते हैं। और शूद्र मतलब है सैलरीड क्लास, जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करते हैं और उनसे क्या प्राप्त करते हैं, सैलरी प्राप्त करते हैं, तो उसको शूद्र कहते हैं। क्यों, उनको कोई ना कोई मालिक चाहिए। उसके द्वारा क्या होता है, धीरे धीरे करके सबकी चेतना में विकास होता है। ब्राह्मण है, ब्राह्मण का धर्म अच्छे से पालन करेगा तो हमेशा वो पठन पाठन यजन इत्यादि कर रहा है तो वो कम से कम ब्रह्म को तो प्राप्त करेगा। जो क्षत्रिय है वो कंट्रोल करने की उसकी बहुत इच्छा है, तो कंट्रोल करने की इच्छा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए पूरी प्रजा दी जाती है, आप प्रजा को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ कंट्रोल नहीं करना है, उनका क्या करना है, लालन पालन करना है। जैसे माता पिता बच्चों को कंट्रोल करते हैं लेकिन साथ में क्या करते हैं, उनका लालन पालन भी करते हैं, तो उस तरह से वो शुद्ध होता है। और साथ में वो कैसे शुद्ध होता है, यज्ञ इत्यादि करवाता है, फिर ब्राह्मणों की आज्ञा का पालन करता है, तो उस तरह से वो लोग शुद्ध होते हैं, तो क्षत्रिय शुद्ध होता है। वैश्य आप पैसा कमा सकते हैं, गाय को लाएंगे गाय से धन मिलेगा, लेकिन फिर गाय को कटने के लिए बेच सकते हैं, इसलिए गौ रक्षा करनी है। कृषि का उत्पादन कर रहे हैं उससे बाकी लोगों का भी लाभ होगा, वाणिज्य कर रहे हैं उससे भी लोगों का लाभ होता है। और साथ में वो क्या करता है, उसको अपने ब्राह्मणों को तो फॉलो करना है, क्षत्रिय को भी फॉलो करना है, तो ब्राह्मणों को क्या करता है, ब्राह्मणों को दान देता है, क्षत्रियों को टैक्स देता है। उससे जो रजोगुण के कारण उसकी अंदर जो लोभ आता है, वो लोभ धीरे धीरे करके कैसे होता है, खत्म होता है, दान के द्वारा टैक्स के द्वारा। तो इस तरह से कौन शुद्ध होता है, वैसा शुद्ध होता है। और शूद्र क्या करता है, वो तीनों के अंदर काम कर रहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तो उस तरह से वो धीरे धीरे करके वो भी, क्योंकि वो तमोगुणी है, उसका आलस्य का उसका नेचर ही वैसा है, आलसी रहना, लेकिन जब उनके अंडर काम करेंगे कम से कम वो लोग मेहनत तो कराएंगे। और साथ में क्योंकि वो लोग धार्मिक कार्य इत्यादि में भी उनको लगाते हैं, तो जिसके द्वारा क्या होता है, उनका धीरे धीरे करके चेतना का विकास होता है। जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण को यज्ञ करना है तो लकड़ी कौन लेके आएगा, शूद्र लेके आएगा, लेकिन इससे से इंडायरेक्टली जो भगवान विष्णु की सेवा कर रहा है, तो मंत्र उच्चारण वगैरह होंगे, अग्नि जलेगी, उसको कुछ सुनने को मिलेगा, प्रसाद वितरण होगा, कुछ प्रसाद खाने को मिलेगा, तो इस तरह से इन सब का क्या होता है, उद्धार होता है। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं व्यक्ति के नेचर का भी अकोमोडेशन हो जाता है, नेचर के अनुसार वो अपने काम करता है, और साथ में क्या करता है, उसका उद्धार भी होता है। तो वैदिक काल में गुरुकुल में क्या हो जाता है, गुरु का काम था व्यक्ति के नेचर को पहचानना, और उसके हिसाब से गुरु क्या दे देता है, ट्रेनिंग दिया करता था। तो व्यक्ति जब अपने नेचर के हिसाब से काम करता है तो पहली बात तो उसका सूक्ष्म शरीर सेटिस्फाइड रहता है, क्योंकि अपने नेचर के अनुसार काम कर रहा है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा वो व्यक्ति धीरे धीरे करके शुद्ध भी होता है, तो दोनों फायदे होते हैं। इसलिए जॉब सेटिस्फेक्शन जो होता है वो कब होता है, जब व्यक्ति नेचर के अनुसार काम करता है। तो आजकल कई बार लोग सेटिस्फाइड इसलिए नहीं रहते हैं, जॉब चेंज करते रहते हैं, आपकी प्रवृत्ति कुछ और है, काम कुछ और कर रहे हैं। तो इस तरह से चार वर्ण और आश्रम है। और फिर आगे कृष्ण बोलते हैं, प्रभु एक प्रश्न है, क्या करते हैं आज 15 नंबर स्लो करके फिर प्रश्न करेंगे, 3 मिनट बचे हैं, 15 होने चाहिए, पता नहीं क्या होगा, एक और स्लो कर लेते हैं हम। ओके प्रभु, 14 नंबर, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृह इति माम यो अभिजानाति कर्म भिन्नस्य पद्यते, मुझ पर किसी भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता,
ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल को के पाश में नहीं बनता। तो ये चारों लोग फंसते हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं मैं नहीं फंसता हूँ। क्यों नहीं फंसता हूँ? क्योंकि मेरे पास तो सब कुछ है, मैं प्राप्त करने के लिए मैं कुछ प्राप्त करने के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। जिस व्यक्ति पास सब कुछ है तो सब कुछ ही भगवान का है, तो भगवान प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं उनके अंदर, ऑलरेडी सब कुछ है। तो क्योंकि भगवान के अंदर कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, इसलिए भगवान बनते नहीं है। तो मैं सिर्फ कार्य किसके लिए करता हूँ? लोगों को एंकरेज करने के लिए कि मैं कार्य कर रहा हूं तो और लोग भी काम करेंगे, इसलिए मैं काम करता हूं। लेकिन मैं क्यों नहीं बनता हूं? क्योंकि व्यक्ति बनता है कर्म फल को एंजॉय करने की इच्छा से, कि जो हम कार्य करेंगे उससे जो फल आएगा उससे हम क्या करेंगे, इंद्रिय तृप्ति करेंगे। और दूसरा बनता है नियंत्रण करने की इच्छा से। तो इन दोनों चीजों के कारण व्यक्ति बनता है, लेकिन कृष्ण के अंदर ये दोनों इच्छा नहीं है, इसलिए कृष्ण नहीं बनते। और इसलिए भगवान बोलते हैं कि जो ये मेरे बारे में जान जाता है वो भी कैसा है, वो भी नहीं बनेगा। तो उसको पता चल जाएगा बंधन का कारण क्या है। जिसको पता चल गया बंधन का कारण क्या है वो भी नहीं फंसेगा। तो ये लास्ट हमारा इस सेक्शन का आखिरी श्लोक है, 15 नंबर। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्मा पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मे वे तस्मात्त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतम। पढ़िए। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रतीति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो भगवान बोल रहे हैं ऐसी ये भी कोई नई चीज नहीं है। जैसे पहले भगवान बता रहे थे, बोले कि पहले भी बहुत सारे लोग ऐसा कर चुके हैं। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी ऐसे बहुत सारे राजा हो चुके हैं जिन्होंने वर्णाश्रम धर्म का पालन करके वो सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं, ब्रह्म परमात्मा भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। तो उसमें एक उदाहरण आता है जनक का, जो सीता जी के पिता हैं, सिर ध्वज जनक। तो जनक में ऐसे जनक कुल में या मिथिला के बहुत सारे ऐसे राजा हुए हैं। तो उन्होंने सारे कार्य किए हुए हैं बिना आसक्त हुए। तो महाभारत में श्लोक आता है जिसमें बताते हैं कि वो बोलते हैं मिथिलायाम प्रदीप्तायाम, कि अगर पूरी मिथिला में जो कुछ है वो मेरा नहीं है, भले मैं मिथिला का राजा हूं, जनक महाराज कहते हैं। इसलिए अगर पूरी मिथिला में आग लग जाएगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो मेरा कुछ नहीं नष्ट होगा। क्यों? क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं। तो मैं मिथिला का राजा हूं लेकिन मेरा कुछ नहीं है मिथिला में, इसलिए अगर मिथिला में पूरी आग भी लग जाएगी तो मेरा कुछ नष्ट नहीं होगा। क्यों नहीं नष्ट होगा? क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं। तो इसको बोलते हैं ड्यूटी की तरह काम करना, निष्काम कर्मयोग। तो भगवान बोलते हैं इस निष्काम कर्मयोग द्वारा पहले भी बहुत लोग शुद्ध हो चुके हैं, और तुम वैसे ही कार्य करोगे तुम भी कैसे हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे। आप प्रश्न पूछ लीजिए फटाफट। माधव हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु। जैसे कि हम लोग का जैसे बोलते हैं कि जो संस्कार होता है गर्भदान संस्कार जिसको बोलते हैं, बोलते हैं जिसका गर्भदान संस्कार नहीं होता है उस वो शूद्र की श्रेणी में ही आते हैं। तो आजकल तो लोग जानते ही नहीं है ये गर्भदान संस्कार, और जो जानते हैं तो सुनते हैं कि इसमें इतना खर्चा होता है कि लोग इसको एफर्ट भी नहीं कर पाते। नहीं तो नहीं, नहीं देखिए गर्भधान संस्कार मुख्य चीज है वो है चेतना के अनुसार। तो आप चेतना भोग करने की है या फिर किसकी है? आप एक भगवान की अच्छे सेवक को इस दुनिया में लाना चाहते हैं तो वो चेतना पर डिपेंड करता है। तो इसलिए इस्कॉन में जो हमारे भक्त है वो लोग भी गर्भधान संस्कार फॉलो करते हैं, उसकी पद्धति वहां दी हुई है। तो वो पूरा नहीं अगर फॉलो कर पाते हैं, कम से कम क्या करते हैं भक्त लोग 50 माला वगैरह करते हैं, 50 राउंड्स करते हैं, ग्रंथ वगैरह पढ़ते हैं। तो उस तरह से वो उसमें सारे डिटेल दिए हुए हैं। तो उस तरह से मुख्य चीज क्या है कि स्त्री पुरुष साथ में आते हैं वो सिर्फ किसके लिए नहीं, एंजॉयमेंट के लिए नहीं आते हैं। किसके लिए आते हैं? ताकि कोई पुण्य आत्मा उसको एक शरीर प्राप्त होगा। तो उस तरह की अगर कोई सी भावना रहती है तो गर्भधान संस्कार फॉलो हो जाता है। लेकिन आजकल के जमाने में जब गर्भधान संस्कार फॉलो नहीं हो रहा है तो क्या होता है, मिक्स टेंडेंसीज आती हैं लोगों के अंदर।
मिक्स टेंडेंसी मतलब कुछ क्षत्रिय की टेंडेंसी रहेगी, कुछ शूद्र की टेंडेंसी रहेगी। तो पहले भी ऐसा हुआ करता था, लेकिन उन लोगों को वर्णाश्रम धर्म के बाहर बोला जाता था। तो जैसे उदाहरण के लिए, अगर पिता क्षत्रिय है और माता शूद्र है तो क्या होगा, माता की अगर टेंडेंसी है बाजा बजाने वाली, से बैंड बाजे वाले होते हैं, लेकिन युद्ध क्षेत्र में वो बैंड बाजे वाले आ सकते हैं जिनके अंदर थोड़ा क्षत्रिय भाव हो, कोई भी मर भी सकता है, तीर गलत यहाँ का वहां चला गया तो उनको वो मर सकते हैं। तो साधारण शूद्र बैंड बाजे वाले को आप भेजेंगे तो बोलेंगे भैया यहीं पे ना कारगिल में मिला था क्या बैंड बाजा बजाने के लिए, हम घर में बजाएंगे, वहां क्यों बजाएंगे, तो उसके लिए क्षत्रिय भाव चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए कम से कम अगर पिता क्षत्रिय है माता शूद्र है तो वो टेंडेंसी हो जाती है, तो वो लोग जाके वहां पर बैंड बाजा बजाते हैं। या फिर सारथी बनते हैं ऐसे लोग, तो सारथी भी कौन बन रहा है, वो जो ड्राइवर बन रहा है वो भी मर सकता है ना, सारथी तो सबसे पहले मारते हैं योद्धा लोग, उसके अंदर भी क्या होना चाहिए, क्षत्रिय भाव होना चाहिए, निर्भयता होनी चाहिए। तो इस तरह से पहले भी मिक्स कास्ट होती थी, इसलिए कलयुग में क्या हो रहा है, कलयुग में आजकल मिक्स कास्ट होती है। लेकिन मुख्य चीज क्या है, हम लोग क्या सीख सकते हैं कि जो भी आपकी टेंडेंसी है उसको भगवान की सेवा में लगाइए। तो व्यक्ति, अगर व्यक्ति अपने नेचर के अनुसार धन अर्जित कर रहा है और भगवान की सेवा में लगा रहा है अपने नेचर को, तो वो धीरे धीरे करके शुद्ध हो जाएगा और भगवान धाम वापस चला जाएगा। ठीक है, ओके प्रभु, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी को धन्यवाद देते हैं हम लोग, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम।